गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वैश्विक विचारधारा विषय पर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रज्ञा प्रवाह राम आशीष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक थे। उनकी विचारधारा समाज को नई प्रेरणा देती है। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रज की भूमि में जन्म हुआ था। 11 फरवरी 1986 को परिनिर्वाण हो गया। आज हम सब उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस विश्वविद्यालय का नाम भी उनके नाम पर है। उन्होंने कहा, काफ़ी लंबे समय से विश्वविद्यालय उनके विचारों पर संगोष्ठी आयोजित करता आ रहा है। इस संगोष्ठी के माध्यम से हम छात्रों को उनके जीवन व संघर्ष की कहानी बताकर नई प्रेरणा देने का काम करते हैं। हम सब एक शिक्षण कार्य करते हैं। पंडित दीनदयाल के उस दर्शन को जीते हुए अपने समाज को व राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। हम उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर हीरामन तिवारी, प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्रज की भूमि में आपका जन्म हुआ। ग्यारह फरवरी 1986 को आपका परिनिर्वाण हो गया और आज हम सब उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनको यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुप्रीम के माध्यम से उनके पुण्यतिथि पर केवल श्रद्धांजलि ही अर्पित नहीं करता है, अपितु काफी लंबे समय से उनके विचारों को लेकर आज के दिन एक संगोष्ठी का भी आयोजन करता है। उनके विचारों को लेकर के आज की इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम सब यहाँ एक गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब एक दूसरे से आशा ही नहीं अभी तो ये पूर्ण विश्वास रखते हैं कि शिक्षण और अध्यापन के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस दर्शन को जीते हुए अपने स्वयं को, विश्वविद्यालय को, समाज को, राष्ट्र को और राष्ट्र के साथ साथ बल्कि पूरे विश्व को गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको हम शत शत नमन करते हैं। हमारा विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम छात्रों से भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश की उन्नति बहुत अच्छी हो सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पे उनको सबसे पहले कोटि कोटि नमन। और हमारा विश्वविद्यालय तो देश का पहला विश्वविद्यालय है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, तो ये तो बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए। और उनके विचारों को हम लोग आगे ले जाएं और छात्रों से भी मैं यही निवेदन करूंगी कि उनके विचारों को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश की उन्नति बहुत अच्छी होती है। जनपद में आरओ व एआरओ की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अवनीश कुमार यादव ने बताया कि पेपर अच्छा था लेकिन थोड़ा कठिन था क्योंकि इतिहास से ज्यादा सवाल थे। यह एग्जाम यूपीएससी के पैटर्न पर हुआ है। वहीं इस अवसर पर अभ्यर्थी शंकर यादव ने कहा कि पेपर बहुत कठिन था लेकिन पेपर समय पर भी होता है, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा परेशान थे, लेकिन अब जब पेपर समय समय पर होगा तो हम लोग उनको पेपर देने में आसानी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभ्यर्थी अवनीश कुमार यादव शंकर यादव ने कहा, हार्ड रहा, कहा जा सकता है कि जीके का जो पोर्शन है ना एनसीईआरटी बेस से था और ठीक था, उतना हार्ड भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये कहा जरूर जा सकता है ना कि पेपर जो है सरकार अगर समय समय से लेती रही तो हम लोगों को अनुभव होता कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। और ये यूपीएससी के
जैसे पेपर होते उस तरीके का पेपर था। पद तो इतना कम है, हम लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है। सरकार से मेरी अपील ये जरूर रहेगी, ठीक रहा मेरा मतलब मॉडरेट रहा, उतना अच्छा भी नहीं कह सकते उतना खराब भी नहीं कह सकते। मेरा नाम शंकर यादव पड़ेगा। आयोग की कैसा रहा आपका पेपर? तो अच्छा था, टिपकल था, थोड़ा इतिहास से ज़्यादा कठिन सवाल थे और सब बढ़िया था। UPSC के पैटर्न फॉलो किया है थोड़ा सा, जैसे कि एसर्शन और संविदा पे था। क्या ये संविदा पे था? नहीं नहीं, संविदा नहीं था, वीबी ऑफिसर का पेपर था। UPSC NCC गोरखपुर 2500 कैडेट की बी सर्टिफिकेट की परीक्षा विश्वविद्यालय गोरखपुर ग्राउंड पर सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में प्रेसाइडिंग ऑफिसर बोर्ड नंबर 1 कर्नल अखिलेश मिश्रा ने बताया कि यह परीक्षा NCC बी सर्टिफिकेट के लिए हो रही है, जो कि सीनियर डिवीजन की परीक्षा है। इसमें गोरखपुर के 11 बटालियन के छात्र शामिल है। इसमें 2 बोर्ड है जिसमें 2500 कैडेट परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के बाद जो कैडेट परीक्षा को पास करेंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट से बोनस मार्क्स अग्निवीर स्कीम में मिलती है। बी सर्टिफिकेट का 10 बोनस मार्क्स है, इससे इनको लाभ मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोसाइडिंग ऑफिसर बोर्ड नंबर 1 कर्नल अखिलेश मिश्रा ने कहा, ये जो आज की परीक्षा है ये NCC बी सर्टिफिकेट, जो कि सीनियर डिवीजन का सर्टिफिकेट एग्जाम है, इसके लिए आज ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें, गोरखपुर ग्रुप जिसमें कि 11 बटालियन हैं, उनका विभिन्न स्थानों में उनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे 2 बोर्ड हैं और तकरीबन 2500 कैडेट यहाँ पे जो है इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, इनको सर्टिफिकेट भी दिया जो एग्ज़ाम हो रहा है? हाँ, एग्ज़ाम के बाद जो कैडेट्स इस एग्ज़ाम को पास करेंगे वो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या लाभ होंगे इस सर्टिफिकेट से? इस सर्टिफिकेट से विभिन्न नौकरियों में बोनस मार्क मिलता है। अग्निवीर स्कीम में बी सर्टिफिकेट का 10% मार्क्स बोनस मार्क्स हैं, जो कि इनको उसका लाभ मिलेगा। मैं कर्नल अखिलेश मिश्रा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोर्ड नंबर 1 गोरखपुर। सैंतवार मलसभा के द्वारा चंपा देवी पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंतवार की अध्यक्षता में भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंतवार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें लाखों लोग सैंतवार समाज के शामिल हुए। जिसके संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंतवार ने बताया कि इस महारैली के माध्यम से समाज ने एकजुटता की ताकत दिखाई है। हम समाज के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे ही हमेशा इसी तरह एकता बनाए रखें और अपनी ताकत का एहसास समय समय पर कराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग रैली के बाद बैठक करके यह निर्णय लेंगे कि हमारा समाज 2024 चुनाव में किस दल को सपोर्ट करेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय मल, पार्षद रविंद्र सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने माता पिता की एक बार जोरदार तालियों से अपने अध्यक्ष जी का कार्यक्रम मंच पे आज इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सैंतवार मलसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंतवार, पूर्व विधायक GM सिंह सैंतवार, मल महासभा युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह, प्रदेश महामंत्री विशाल सिंह ने कहा, और आज समाज ने, मेरे समाज के लोगों ने अपने एकता का ताकत सबको दिखा दिया और ये समाज से मैं निवेदन करूंगा ऐसे ही एकता हमेशा बनाए रहेंगे और अपनी ताकत का एहसास समय समय पे कराते रहेंगे। क्या लग रहा है?
मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और क्योंकि आज मेरे समाज के लोगों के ने एक एक लोग आकर के अपने समाज की एकता का ताकत का एहसास कराया। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए अभी 2024 दूर है, इस रैली के खत्म होने के बाद हम लोग आपस में मिल बैठ करके फैसला करेंगे किसके साथ सपोर्ट करना है, किसका विरोध करना है। नहीं कहीं जाने की बात अभी नहीं है, अभी हम लोग तो भागीदारी अपना सुनिश्चित करवाने के लिए मीटिंग इकट्ठा किए हैं और हम लोग को भागीदारी मिलेगी और बैठ करके। क्या लग रहा है कि अभी तक संसार समाज का जो है, संसार समाज का जो है, किसी पार्टी में मजबूती नहीं थी क्या? नहीं मजबूती है ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। देखिए आज लाखों लोगों ने हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है इतनी संख्या में आज तक कभी भी किसी ने भी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया होगा। 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज वो निकल कर आए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और साथ ही साथ अब हमें लगता है कि इस ये सही समय हमारी भागीदारी तय करने का। क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 चुनाव के लिए? हम यही कहना चाहेंगे महासभा का जो आदेश होगा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उसे जो भी आदेश होगा बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहेंगे, निवेदन भी है कि आप उनके साथ चलें, जो भी आदेश होगा हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए सहतवारमल महासभा के नेतृत्व में 11 फरवरी की आज वह शुभ घड़ी सहतवारमल महासभा के लिए आई है कि आज हमारी महारैली नहीं महासंगम है, और आप भीड़ देख लीजिए आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आज सहतवारमल समाज जगा है। हमारे समाज के नौजवान बड़े बुजुर्ग नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता ग्राम प्रधान BDC जिला पंचायत सब लोग इस महारैली में अपना योगदान दे रहे हैं और भागीदारी दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? आज के इस रैली से मैं सभी राजनीतिक दलों के संदेश देना चाहता हूं कि अब हम लोगों को दरी मंत्री चटाई मंत्री का पद देना बंद करो, और हम लोगों को जो हमारा सम्मान है पूर्वांचल में उस सम्मान के अनुपात में हर दल राजनीतिक दल हमें सम्मान दे। 2024 चुनाव में किस तरह से आज की रैली तय कर दी है, इसके बाद बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाज के नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बैठ के निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। अभी तो आप भीड़ देख लीजिए, भीड़ ही ने नेतृत्व कर दिया कि जो सहतवारमल महासभा कहेगा वही होगा।